नमस्कार, मी संघर्ष शुक्री आणि आपण पाहतात झकास मराठी. मित्रांनो, मागे आपण आपल्या एका व्हिडिओमध्ये गोंदियाचे मिल्खा सिंग अर्थात मुन्ना यादव यांची व्हिडिओ पाहिलं होतं. मुन्ना लालजी यादव जे मागे देहरादूनमध्ये एका प्रतियोगितामध्ये जे रनिंग कॉम्पिटिशन होतं त्या ठिकाणी ते गेलं होतं आणि देहरादूनमधून त्यांनी 3 गोल्ड मेडल जिंकले होते आणि म्हणून त्यांची दुबईकरिता निवड झाली. आता ते दुबईमध्ये खेळण्याकरिता गेले आणि दुबईमधून त्यांनी 1 नव्हे 2 नव्हे तर 4 गोल्ड मेडल जिंकले. मित्रांनो, कशाप्रकारे त्यांचा जो प्रवास आहे गोंदियापासून ते दुबईपर्यंतचा त्यांचा प्रवास, दुबईमधून त्यांनी गोल्ड मेडल 4 गोल्ड मेडल जिंकले, त्यांचा काय प्रवास आहे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. आमच्यासोबत स्वतः मुन्नालाल यादव जे आहेत त्यांना मराठी तेवढी जमत नाही, आपण हिंदीमध्ये संवाद करूया. मुन्नालालजी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको. बहुत बहुत धन्यवाद. कैसा रहा गोंदिया से दुबई तक का प्रवास? ये मन में चीजें प्रसन्न, मन में बड़ी खुशी थी यहाँ से निकला. हालांकि ये तो मेरा विचार पहले भी आपको बता चुका था कि मेरा विचार जो है विदेश जाके मेडल जीत के लाने का, और वो मेरा सपना भी पूरा हो गया. मैं यहाँ से विदर्भ से गया, प्लेन में बैठा नागपुर से, फिर मुंबई पहुँचा, मुंबई से फिर दूसरे प्लेन में बैठ के दुबई पहुँचा. ठीक है, और वहाँ जाके मतलब 26 तारीख को वहाँ पहुँच गया और 27 को 100 मीटर की दौड़ हुई. 28 को उन्होंने क्या किया, तीनों दौड़ एक साथ मिली करा दिया. अच्छा. सुबह 5 किलोमीटर और 200 मीटर जो दौड़ा 10 बजे और 12:30, 11:30, 12 बजे करीब लॉन्ग जंप करा दिया. अच्छा, तो चारों में आपने प्रथम क्रमांक हासिल किए. तो वो क्या है कि वहाँ का जो कोच था जो रनिंग कराने लॉन्ग जंप कराने वाला, तो उसका क्या विचार था कि थोड़े से में कूदेगा, बूढ़ा आदमी है क्या कूदेगा. मैंने कहा एक काम करो, 3 चांस मिलते हैं, मैं तीनों में कूद जाता हूँ. ठीक है, बिल्कूल कूदो. अच्छा. तो उसमें 65 वाले 70 वाले 75 वाले थे, उनको भी पीछे कर दिया. मेरा इन्हें पहले 9 फुट 3 इंच आया, फिर 9-8 आया, फिर तीसरे नंबर में 10 फुट आ गया. जबकि मेरी यहाँ तैयारी थी 11.5 फीट की गोंदिया में. मगर आप कूदे कितना? 10 फीट. 10 फीट, कारण कि वहाँ गर्मी बहुत और फिर भूखे प्यासे रहना, बगैर नाश्ते से के सब चला गया. अच्छा. अब कई लोगों ने नाश्ता कर करके कहते हैं ना, खाने के बाद में क्या दौड़ेगा आदमी, दौड़ नहीं सकता. लेकिन अपने को इस चीज़ के बारे में ज्ञान है कि खाना खाने के बाद कुछ दौड़ सकता है क्या? नहीं. तो इसीलिए जब कॉम्पिटिशन रहता है तो पेट को खाली रखना पड़ता है, उसके बाद ही दौड़ सकते हैं. मित्रांनो, हे ते मेडल्स आहेत, दिसायला तर हे फार सुंदर दिसत आहेत, मात्र यांची जे ये असे मेडल पहिली बार इतने अच्छा मिला. अच्छा. अभी तक तो बहुत सारे मेडल देख ही चुके हो. हाँ. लेकिन इससे अच्छा मेडल अभी तक कोई नहीं मिला. बिल्कुल. इसको देख के मेरी भूख प्यास भग गई. हाँ. और बड़ा आनंद आता है इसको देख देख के, मन प्रसन्न हो जाता है. बिल्कुल. मित्रांनो, सांगण्याची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुन्नालाल यादवजी हे 80 साल के ऊपर से आप हो, 81 साल से, मात्र 81 वर्षाचे असून सुद्धा महाराष्ट्रात नव्हे, भारतात नव्हे तर भारताच्या बाहेर दूर तिकडे दुबईमध्ये हे खेळायला गेले आणि तिथून भारताकरिता ते खेळले आणि 4-4 गोल्ड मेडल जिंकणे ही लहानशी गोष्ट नाही आहे. कैसा लगा जब आप 4 गोल्ड मेडल आपके गले में आए? मेरा क्या है, दौड़ने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं जब तक मेडल नहीं जीतता, जब तक मेरे को कुछ चैन नहीं पड़ता, मैं घूमने का शौक नहीं होता. ये जीतने के बाद मेरे को भूख प्यास सब भग जाती है, फिर जहाँ घुमाना है घुमा सकते हो. अच्छा. सबसे पहली याद पे ये होना मेरे को, बस मेडल, बस इसमें मेरे को बहुत खुशी होती है. हाँ. और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे लोग ऐसी मेडल जीत के लाएँ. हाँ. और आगे अपने देश का नाम कमाएँ. आप जब दुबई में गए, कौन कौन से देश से वहाँ पे प्रतियोगी थे जो आपसे मिले? के थे, श्रीलंका के थे और पता नहीं कहाँ कहाँ के थे वो लोग. कुछ बातें हुई आपसे उनकी? हाँ, एक जो मतलब विदेशी लोग थे ऑस्ट्रेलिया के. हाँ. उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खींचा. अच्छा. उनको दौड़ अच्छी लगी. हाँ. लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छा लगा. वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे को एक गमछा पहनाया. अच्छा. गुलाब का फूल दिया. हाँ. और काफ़ी लोगों ने फ़ोटो भी खींचा. बिल्कुल. ये सब होने के बाद दूसरे दिन मैं गांधी जी की वेशभूषा में आया. गांधी जी की वेशभूषा में आप दुबई में आए? दुबई में आया. अच्छा. तो हमारे एसपी साहब ने बोले थे कि वहाँ गांधी जी की वेशभूषा में रहना करके. अच्छा. तो वो गांधी जी की वेशभूषा में रहने से एक पूरा परिचित हो गया सब लोगों से दुबई में. हाँ, एक आकर्षित लगा उनको. अच्छा. तो उसमें कई लेडीज लोगों ने, कई जेंट्स लोगों ने सब बहुत कम से कम 100 फोटो खींच ली है.
अच्छा, कैसा लग रहा था आप दुबई में, भारत का नाम ऊंचा हो रहा था, आप गांधी जी की वेशभूषा में? ये बताइए, जिसको ये सब चीज मिल जाए तो उसका मन कैसा प्रसन्न नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या भावना है आपके मन में? खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। अच्छा, मेरी भावना ये है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, इसमें खेल कूद की कोई पढ़ाई की उम्र नहीं होती है। आज जो बच्चे लोग स्टेडियम में जो खेल रहे हैं, इनको भी ये मतलब प्रेरित करना चाहता हूँ कि ये सीखे समझे। हाँ। और ये रास्ता तो मेरे को बहुत लेट मिला था। हाँ। अगर पहले मिला होता तो आज कह नहीं सकता था क्या है, लेकिन आज इन लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा, सरल हो जाएगा, इनको एक प्रेरणा मिल जाएगी कि हमने कुछ करना चाहिए। मित्रांनो, सध्या मी गोंदियातील इंदिरा गांधी स्टेडियम मध्ये आहोत। ह्या ठिकाणी दररोज शेकडो जे मुलं आहेत, मुली आहेत, ते खेळण्याकरिता येतात। मुन्नालाल जी, आप गोंदिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब भागते थे और जब आप दुबई के स्टेडियम में जब भागे, क्या अंतर आपको लगा? अंतर क्या है, वो तो कंपटीशन के भावना से भागना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए वो उस हिसाब से भागा। हाँ। यानी दुबई और दुबई में मतलब क्या देहरादून में जो दौड़ा था। हाँ। तो वहाँ भी जो वहाँ के जो राजस्थानी लोग थे, हरियाणा के। हाँ। भाई हरियाणा के जो लोग थे। हाँ। वो देख के आश्चर्य करके, ताऊ जी आप क्या दौड़ रहे हो बोले। हाँ। उसी प्रकार यहाँ भी लोगों को प्रशंसा हुई। बिल्कुल। और वो प्रशंसा की तो बात ही अलग है, एक मन जो जीतने के बाद जो मन प्रसन्न होता है। हाँ। इसका तो कोई अंदाज ही नहीं लगा सकते। यादव जी, कैसा लग रहा है ये बच्चे आपके साथ? ये बताइए, ये क्रिकेट चैंपियन वाले हैं? क्रिकेट चैंपियन है ये? बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है तुझे? हाँ जी। कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंदीदा है तेरा? रविंद्र जडेजा। क्यों? क्योंकि मैं भी बॉलर हूँ और वो भी बॉलर है, इसलिए मेरा इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन? तो बड़ा होकर इंडिया की तरफ से खेलने की तेरी इच्छा है? यस। अभी यादव जी दुबई में रनिंग कंपटीशन में जीत कर आए और चार चार गोल्ड मेडल लाए, ये सब देखते हुए क्या कौन कौन से विचार तेरे माइंड में आते? हमको भी मतलब ऐसा थोड़ा करना चाहिए हमारे देश के लिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया दुबई में जाके अपना देश का नाम रोशन किए। हाँ। तो हमें भी बड़ा उठ मेहनत करके ऐसा करना चाहिए देश के लिए अपने, और हमको भी ऐसा लाना चाहिए और देश का नाम बढ़ाना चाहिए, आगे देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। यादव जी, कैसा लग रहा है ये सब बच्चों को देख कर, जो आपको देख के प्रेरित होते हैं, आपके पीछे आपको देख कर आपका मार्गदर्शन जो इन्हें मिलता है, आपके तरफ से सीख कर ये कुछ बड़ा होने के सपने देखते? नहीं, बड़ा हो गए सपने देखते जरूर है, लेकिन क्या है कि ये लोग इसको खेल के हिसाब से देखें। हाँ। और कोशिश करें तो आज इनके लिए इतना रास्ता खुला हुआ है कि सरलता से ये बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। लेकिन इनको खेलना जरूरी है। हाँ। मेहनत करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना और अच्छे विचार बना के रखना। हाँ। ये इनके जीवन के लिए सुखमय होगा। अच्छा। क्या है, सहारे से आदमी पहाड़ पर चढ़ जाता है, जैसे आज मैं जो सहारे से जो पहाड़ पर आया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। इसके अलावा उनसे मैं पूछा कि आपने मेरे लिए इतना जो सहयोग किया जो मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हाँ। बोले ये तो शुरुआत है, बोले अभी तो आपको और बहुत जाना है, अमेरिका। हाँ। दिल्ली, इन वो तुम्हारे थाईलैंड वगैरह जहाँ भी है। हाँ। आप बताओ, बोले जाएंगे। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश ओमकार बंसोडे है। आप यादव जी को जानते हो? आप? मैं काफ़ी साल से यादव जी को देख रहा हूँ और यादव जी को जानता हूँ। हाँ। शायद ही मेरी उम्र 15 साल से, यानी मैं 15 साल के नीचे से था तब से जानता हूँ। तब से ही ये यानी इनमें इतना जुनून है कि वो 15 साल के पहले से ही इतना मैंने देखा कि हर वक्त में मेडल, और जब इनको अभी बीच में इंजरी हुई थी उसके बावजूद भी इनने बहुत कम टाइम लिया और उसमें 4-4 मेडल अभी लेके आए उन लोग। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और गोंदिया के लिए और हमारे महाराष्ट्र और हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि हम यादव जी जैसे व्यक्तियों को देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और हम सब बच्चों लोगों के लिए प्रेरणादायक है कि हम इनको देख पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम भी आगे होके इनके जैसे बने और इनके जैसे कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल। यादव जी, आता गोंदिया करिता तरी आइडियल झाली आहेत पूरा। यादव जी, गोंदिया आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है, आपके जो विचार है, आपके जो खेल तो है मगर आप विचार से भी आप बहुत बड़े हो। यादव जी, शुरुआती दिनों में आपको आज अब दुबई में सिलेक्शन हुआ मगर बहुत प्रॉब्लम्स थी, आप कैसे जा पाएंगे ये बहुत विचार थे, कुछ प्रॉब्लम थे आपको, कुछ आर्थिक समस्याएँ भी थी, मगर बीच में आपको लग रहा था कि अपन एक कैसे जा पाएंगे, विश्वास था मगर जाने का? मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वहाँ दौड़ के जीतने की ताकत है। हाँ। लेकिन वहाँ तक जाने की ताकत नहीं है। हाँ।
तो हमारे एसपी साहब ने मतलब जो मदद किए पिंगड़े साहब ने, हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो टिकट का विकेट का पैसा इंतजाम कर दिया, दूसरे उनके सहयोगी पुलिस वाले उन्होंने मदद किया और वहाँ से मेरे को एक हिम्मत बन गई। बूंदिया विधानसभा ग्रुप, हाँ वो तो बाद में हुआ, लेकिन वहाँ से मेरे को हिम्मत बन गई। फिर मन में सोचा था मेरे को तो जाना तो है, चाहे जैसे भी होगा जाऊँगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा की पूरा इंतजाम मेरे को ऐसा होगा कि मेरे जेब पे पैसे लगे नहीं और कुछ लोग जो दे रहे थे उनको मैं वापस कर दिया कि भैया अभी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। बिल्कुल हाँ, अगर तुमको ज्यादा अगर देने का शौक है तो जब मैं जीत के अगर आऊँ तो आप बैनर लगा देना। क्या बात है यादव जी, लास्ट में क्या संदेश दोगे आप जो अभी नए बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सक्सेस होना है उन्हें भी अगर इस तरीके से गोल्ड मेडल लाना है, क्या करना चाहिए? ये देखने के बाद तो उनको तो लगना चाहिए कि कम से कम हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, रहा सवाल ये कि कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ कॉम्पिटिशन की भावना से नहीं करते, एक समझो समय पास कर रहे हैं, एक दिल लगन से करेंगे तो ये जिंदगी में बहुत ऊँचाई तक पहुँचेंगे। ये रास्ता हमको बहुत लेट मिला, अगर पहले मिला होता तो आज मैं समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा होता। अच्छा, अब ये भी काफ़ी बच्चों को सिखाते हैं, करते हैं, और बहुत बच्चे ऊंचाई तक जाने की तैयारी है, और हो सकता है कि अब इंडिया में भी खेल कूद के बारे में बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। और इस समय इंडिया के लोग भी काफ़ी मेडल लेके आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ओलंपिक में जाने के बाद में लोगों ने कितना, एक मेडल, दो मेडल, तीन मेडल लाते थे, आज 127 मेडल लेके मेडल आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बच्चे आज ये क्या है कि इनको खेलने कूदने का अगर शौक लग जाए, इसका नशा अगर इनको हो जाए तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी लोग तैयार रहें, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और कोई बीमारी से दूर रहेगा। आज क्या है कि लोग पैसे बचा लेते हैं खाने पीने में या खेलने कूदने से बचते हैं, लेकिन आगे चल के उतनी तरक्की नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखा। आखिरी में एक रिटायर व्यक्ति की हालत क्या होती है, वो मेरा जब ऑपरेशन हुआ था ना, तब मेरे को पूरी जानकारी होगी कि रिटायर आदमी कैसे जीता है। या तो 14 घंटे टीवी देखेगा, या 12 घंटे सोएगा, या 2 घंटे टाइम पास इधर उधर करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद वो इतना नाजुक हो जाएगा कि एक गिलास पानी लेना है तो उसको सोचना पड़ेगा। फिर वो शरीर जो है, कमजोरी अगर आती है शरीर में तो बीमारी अपना घर बनाती है, खेल कूद से जुड़ा रहेगा, ताकत रहेगी तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी। तो इससे बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना रखना और उनको इस ग्राउंड से जोड़ के उसको तैयारी कराना, इसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, तो वो भी होता है। और आज इन लोगों के लिए बहुत सरल रास्ता है और खुला हुआ है। आज अपने जो नॉलेज में बहुत से गेम है जो हमें पहले पता नहीं था, मोदी जी से है, आज ये खेलकूद के बारे में बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि ये बात उनके जो मन की बात होती है ना, वहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि मेरा भला तो हो लेकिन मेरे साथ साथ और बुजुर्ग लोगों का भी भला होना चाहिए। बिल्कुल, आज की स्थिति क्या है, जो रिटायर आदमी होता है उसके पास पेंशन आती है, तो वो तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो रिटायर है उसके पास पैसा भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, तो वो क्या तकलीफ का आएगा। लड़के को बोला बेटा मेरे को 4000 रुपये दे, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लड़के ने दे दिया, अंदर से बहू की आवाज़ आती है, इनको बुढ़ापे में क्या शौक है, क्यों ऐसा करना चाहिए, अब वही 4000 रुपये बचेंगे तो हमारे बच्चे के काम आएंगे, तो उसका मनोबल टूट जाता है, पैसे वापस कर देता है और इतना मनोबल टूट जाता है कि वो खेल कूद दौड़ से वंचित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तर मित्रांनो, हे होते गोंदियाचे मुन्नालाल यादव जी, ज्यांनी दुबईमध्ये भारताचा झेंडा फडकवला, महाराष्ट्राचा झेंडा फडकवला आणि गोंदियाचा झेंडा दुबईमध्ये फडकवला। मित्रांनो, हरियाणा सारखा जो राज्य आहे, ज्या राज्यातून विविध प्लेयर्स येतात, महाराष्ट्रातून आता प्लेयर्स येऊ लागले, आपल्या गोंदियातून सुद्धा, गोंदियासुद्धा आता गेमिंग हब बनत आहे, ह्या इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये दर दिवशी शेकडो मुलं विविध गेम्स खेळतात आणि उंच स्वप्न पाहतात, नॅशनल लेवलवर जाण्याकरिता, देशाकरिता खेळण्याचे स्वप्न पाहतात आणि त्यांचेच प्रेरणास्रोत आहेत मुन्नालाल यादवजी, यांच्याकडे बघून, यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन कितीतरी मुलं ह्या ठिकाणी खेळ खेळत असतात आणि आपले स्वप्न पाहतात आणि ते साकार करण्याकरिता ह्या ठिकाणी दर दिवशी प्रॅक्टिस करीत येतात। मित्रांनो, अत्यंत
महत्वाची बाब म्हणजे खूप सुंदर प्रकारे यांनी स्वतःचा प्रवास सांगितला, गोंदिया ते दुबई पर्यंतचा प्रवास. पालकांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे, मुलांनी अभ्यासाबरोबर खेळ कसा खेळायला पाहिजे, आणि फक्त खेळ खेळणे माझी इच्छाच आहे किंवा फक्त स्वप्न पाहून होणार नाही तर ते काम करणेसुद्धा गरजेचे आहे असे यांनी सांगितलं आहे. आपण ह्या व्हिडिओच्या मार्फत खूप काही शिकलं असाल. आणि यादवजी बहुत बहुत शुभकामना आहे फिर से एक बार आपको. शुभकामना तो है. इसके अलावा हाँ. अब जैसे मैं आज 81 साल का हो गया हूँ हाँ. थोड़ा सा कमा खा लेता हूँ हाँ. इसके बाद में आगे का रास्ता क्या है कि कम से कम पेंशन मिलना चाहिए बुजुर्ग आदमी को. बिल्कुल हाँ. और जो पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर जो आता है जिसको गोल्ड मेडल या सिल्वर जो भी कास्ट मिलता है हाँ. तो ये सिर्फ आज मैं लाखों रुपये खर्च करके आया, सिर्फ मेडल पकड़ा दिया. अगर इसमें कुछ राशि मिल जाती तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता. बिल्कुल. तो कई लोग इससे मतलब नहीं पहुंच पाते हैं. जैसे मान लो अभी नासिक जाना है या नेपाल जाना है तब उसको खर्चा लगता है. अब उसने जीत लिया तो खाली हाथ मेडल लेके आएगा तो क्या कर्जा करके ले लेके कहाँ तक पूरा करेगा. तो शासन ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए. मित्रांनो, हे यादव जी दुबईला तर खेळायला गेले, मात्र चार गोल्ड मेडल हे अनमोल आहेत, यांची काही किंमत नाही आहे. ये तो अनमोल अनमोल आहे. फिर भी शासन ने अगर दुबई में इन्होंने भारत का झंडा फैला कर आए तो कुछ ना कुछ इनके पेंशन या फिर ऐसे बहुत से खिलाड़ी है जो खेलते हैं, देश का नाम देश विदेश में बनाते हैं, मगर आर्थिक परिस्थिति के कारण बहुत बार उन्हें नहीं पहुंच पाते, बहुत बार उन्हें परेशानियां भी होती है. मगर शासन ने इस विषय पर भी विचार करना चाहिए. शासनाने सुद्धा ह्या विषयावर मंथन करायला पाहिजे की हे खेळाडू इतर देशात तर खेळून येतात, भारताचं नाव रोशन करतात, मात्र कुठेतरी त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधार कसं होईल, त्यांना पेन्शन कसं भेटेल यावर विचार करणे भारत सरकारला सुद्धा गरजेचे आहे. आपण झकास मराठी पाहत आहात. नक्कीच ह्या व्हिडिओच्या मार्फत आपल्याला खूप काही शिकायला मिळालं असेल. अशाच प्रकारे व्हिडिओ पाहण्याकरिता झकास मराठीला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपण सर्वांचे धन्यवाद. खूप खूप आभार.